मां कात्यायनी जल कल्याण मंदिर समिति के द्वारा मंडीदीप नगर पालिका सीएमओ सुधीर उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं मंदिर समिति को ओपी श्रीवास्तव द्वारा नोटिस देकर बताया गया कि नगर पालिका द्वारा बोर एवं सेट जिसमें मंदिर समिति का सामान रखा जाता है उसे शीघ्र हटाने को लेकर नोटिस दिया गया। इस बात की भी जानकारी मंदिर समिति पदाधिकारियों और रहवासियों को मिली। वहीं रहवासियों का कहना है कि 2016 में पानी की विकट समस्या होने के कारण मंदिर समिति द्वारा रहवासियों और जनप्रतिनिधियों से धन संग्रह कर बोर कराया गया था। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी की लाइन तक नहीं है, रोड पूरी उखड़ चुकी है, सीवेज की लाइन जगह जगह टूटी पड़ी हुई है, रोड ऊपर सीवेज का पानी बह रहा है, कीचड़ और गंदगी होने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, फिर भी निराकरण नहीं कराया जा रहा है, जिसको लेकर रहवासियों ने जल्द निराकरण नहीं होने पर शिकायत करने की चेतावनी दी। सतलापुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी 13 नंबर वार्ड से माँ कात्यायनी मंदिर समिति की ओर से, वहाँ पे जो नलकूप है और मंदिर है और वहाँ पे हमने जो वृक्षारोपण किया हुआ है उसके संबंध में आए थे हम। तो हमारे जो पड़ोसी हैं श्रीमान ओम प्रकाश जी, उनको एक नगर पालिका से लेटर मिला हुआ था, उसमें जो उनकी आधिपत्य में वो जगह दिखाई हुई थी कि ये इनकी है, जबकि हम इसका खंडन करते हैं, ये तो ये सोसाइटी सार्वजनिक जगह है, वो उनकी निजी जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है और ये मंदिर के लिए यूज होती है। और वहाँ पे जो कीचड़ वगैरह जो हो रही है, लोगों को निकलने की तकलीफ हो रही है, सीवेज का पानी रोडों पे बह रहा है, ये तो पिछले कई दिनों से है, लेकिन अभी हमने हाउसिंग बोर्ड के पास जाते हैं तो हाउसिंग बोर्ड ये बोल रहा है कि हमने फंड ट्रांसफर कर दिया, अब नगर पालिका उसकी व्यवस्था देखे।